सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बिहार के बाढ़ रेलवे स्टेशन के बारे में आप लोगों के साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा जानकारी जरूर पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप बाढ़ शहर के वासी हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाढ़ रेलवे स्टेशन भारत के बिहार राज्य में स्थित है, जो दक्षिण बिहार के पटना जिला के बाढ़ शहर में मौजूद है। बाढ़ रेलवे स्टेशन बिहार की राजधानी पटना से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रेलवे स्टेशन पटना जिला का एक बहुत ही पुराना और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे नेटवर्क के माध्यम से भारत के ज़्यादातर शहरों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का कोड है BARH। बाढ़ रेलवे स्टेशन बी ग्रेड रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस रूट से चलने वाली ज़्यादातर रेलगाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। बाढ़ रेलवे स्टेशन बिहार का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 100 वर्षों के अधिक समय से यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही है, और यह रेलवे स्टेशन दानापुर डिवीज़न का और पटना ज़िला का एक बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यह स्टेशन NTPC बाढ़ थलमर पावर स्टेशन से भी जुड़ा हुआ है, जहां हरनौत के माध्यम से झारखंड राज्य से कोयले की आपूर्ति की जाती है। बाढ़ रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मेल लाइन पर स्थित होने की वजह से यह स्टेशन काफ़ी व्यस्त है। बाढ़ रेलवे स्टेशन का गठन उस समय किया गया था जिस समय हावड़ा से दिल्ली रेल लाइन को जोड़ा जा रहा था। उसके कुछ ही वर्षों के बाद बाढ़ रेलवे स्टेशन का गठन किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हावड़ा से दिल्ली रेल लाइन को साल 1866 में खोला था, जिसकी दूरी तकरीबन 1562 किलोमीटर है। आसनसोल से पटना रेल सेक्शन को साल 1871 में खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 331 किलोमीटर है। इलेक्ट्रीफाई की बात करें तो हावड़ा से दिल्ली रेल लाइन को साल 1960 से साल 2001 के दौरान इलेक्ट्रीफाई किया गया था। बाढ़ रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के इस सेंट्रल रेलवे जोन के दानापुर रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत आता है। साल 1925 में बाढ़ रेलवे स्टेशन को दानापुर रेलवे डिवीज़न का हिस्सा बनाया गया था। इस रेलवे स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से 59 मीटर तकरीबन 194 फुट के करीब है। बाढ़ रेलवे स्टेशन में टोटल 3 प्लेटफॉर्म और 5 पटरियां शामिल है। इस स्टेशन से रोजाना तकरीबन 20,000 से ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं, और लगभग 75 रेलगाड़ियों से ज़्यादा इस स्टेशन के माध्यम से आती है और गुजरती है। बाढ़ रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग, यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, रिजर्वेशन काउंटर, शाकाहारी भोजन, टी स्टॉल और पुस्तक की स्टॉल जैसी सुविधाएं इस स्टेशन पर उपलब्ध है। जानकारी के लिए बता दें, बाढ़ रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली लाइन पर आसनसोल पटना रेल सेक्शन पर और बरौनी पटना रेल सेक्शन पर स्थित है। दोस्तों, बाढ़ रेलवे स्टेशन के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।